नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नई दिल्ली से मधुपुर जंक्शन झारखंड तक चलने वाली सभी ट्रेन्स की जानकारी के बारे में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नई दिल्ली से मधुपुर जंक्शन झारखंड तक चलने वाली सभी ट्रेन्स की जानकारी के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे नई दिल्ली से मधुपुर तक कौन कौन सी ट्रेन चलती है और उन सभी ट्रेनों के नाम और नंबर के बारे में बात करेंगे कि ट्रेन का प्रस्थान का समय कौन सा है, यानी कि नई दिल्ली के कौन से स्टेशन से कितने बजे कौन से प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और मधुपुर में कौन से प्लेटफॉर्म पे कितने बजे पहुंचती है और नई दिल्ली से मधुपुर की दूरी जो है कितनी देरी में कवर करती है और कौन कौन से दिन जो है नई दिल्ली से ये ट्रेन चलती है और उस ट्रेन में कौन कौन से कोचेस हैं और कितना डिस्टेंस कवर करती है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे और एवरेज स्पीड क्या है ये भी बात करेंगे। तो इस रूट पर तकरीबन 5 ट्रेनें चलती हैं, एक राजधानी ट्रेन है, 2 सुपर फास्ट ट्रेन है, 2 हमसफर ट्रेन है। सबसे फास्टेस्ट ट्रेन तो है नई दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस जो कि वाया पटना होकर चलती है और सबसे स्लोएस्ट है पूर्वा एक्सप्रेस जो कि वाया पटना होकर चलती है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आगे बात कर लेते हैं नई दिल्ली से मधुपुर तक चलने वाली सभी ट्रेन्स की जानकारी के बारे में। नई दिल्ली से मधुपुर के बीच में जो सबसे पहली ट्रेन चलती है वो है बाबा बैद्यनाथ धाम दियोगर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन, जिसका ट्रेन नंबर है 22466। ये जो ट्रेन है हर बुधवार को आनंद विहार टर्मिनल से दोपहर के 12:45 पे 2 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 16:40 बाद मधुपुर जंक्शन में सुबह 5:25 पे 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे पहुंचती है। इसके तकरीबन 12 स्टेशन से 1236 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 74 किलोमीटर पर आवर। सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है, नॉर्दर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। सेकेंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। एलएचबी कोचेस वाली ट्रेन है। इसके बाद जो दूसरी ट्रेन इस रूट पे चलती है उसका नाम है बाबा बैद्यनाथ धाम दियोगर हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन, जिसका ट्रेन नंबर है 22460। ये जो ट्रेन है हर सोमवार को आनंद विहार टर्मिनल से दोपहर के 12:45 पे 2 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 16:40 बाद मधुपुर में अगले दिन सुबह 5:25 पे 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे पहुंचती है। इसके तकरीबन 12 स्टेशन हैं, 1236 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 74 किलोमीटर पर आवर। हम सफर टाइप की ट्रेन है, नॉर्दर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है और कोचेस के बारे में बात करें तो ये एलएचबी कोचेस वाली ट्रेन है, थर्ड एसी और स्लीपर क्लास के इसमें कोच हैं। और ये जो ट्रेन है आनंद विहार टर्मिनल से हर सोमवार को 12:45 पे 2 नंबर प्लेटफॉर्म से चलती है और 16:40 बाद मधुपुर जंक्शन में सुबह 5:25 पे 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे मंगलवार को पहुंचती है। और इसका ट्रेन नंबर है 22460, 1236 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। हम सफर टाइप की ट्रेन है, नॉर्दर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। इसके बाद तीसरी जो सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है पाँचों ट्रेनों में से उसका नाम है न्यू दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन, जो कि वाया पटना होकर चलती है। इसका ट्रेन नंबर है 12306। ये जो ट्रेन है नई दिल्ली से हर शुक्रवार को शाम को 4:50 पे 15 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 15:29 बाद ये ट्रेन जो है मधुपुर जंक्शन में सुबह 8:19 पे 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे पहुंचती है। इसके तकरीबन 7 स्टेशन से 1250 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 81 किलोमीटर पर आवर। राजधानी टाइप की ट्रेन है, ईस्टर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी के कोच है और इसके अलावा पेंट्री कार का कोच भी शामिल है। ये तो है सबसे फास्टेस्ट ट्रेन इस रूट पर। इसके बाद जो चौथी ट्रेन इस रूट पर चलती है वो है आनंद विहार टर्मिनल मधुपुर हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन, जिसका ट्रेन नंबर है 12236। ये जो ट्रेन है आनंद विहार टर्मिनल से हर गुरुवार को शाम को 5:20 पे 6 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 16:55 बाद मधुपुर जंक्शन में अगले दिन सुबह 10:15 पे 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे पहुंचती है। इसके तकरीबन 12 स्टेशन से 1236 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड इस रूट पर 73 किलोमीटर पर आवर है। हम सफर टाइप की ट्रेन है, नॉर्दर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। और ये जो ट्रेन है हम सफर टाइप की ट्रेन है, अगर कोचेस के बारे में बात करें तो इसमें थर्ड एसी, एसी इकोनॉमी और स्लीपर क्लास के कोच हैं। कोच कंपनियों के बारे में बात करें तो थर्ड एसी के तकरीबन 16 कोच हैं, 2 कोच स्लीपर क्लास के हैं और 1 एसी इकोनॉमी का कोच भी इसमें जोड़ा जाता है। अगर बात करें इस ट्रेन के ट्रैवल टाइम के बारे में तो 16 घंटे 55 मिनट में ये आनंद विहार टर्मिनल से मधुपुर जंक्शन की दूरी जो है कवर करती है।
और 1236 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड इस रूट पर 73 किलोमीटर पर आवर है। LHB कोचेस वाली ट्रेन है। इसके बाद नई दिल्ली से मधुपुर को कनेक्ट करने वाली जो आखिरी ट्रेन है इस रूट पर है वो है पूर्वा एक्सप्रेस, जो कि वाया पटना होकर चलती है। इसका ट्रेन नंबर है 12304। ये जो ट्रेन है नई दिल्ली से हर इतवार, बुधवार, गुरुवार और शनिवार को शाम को 5:40 पर 15 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 18:31 बाद ये ट्रेन जो है अगले दिन 12:11 पर मधुपुर जंक्शन में 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है। ये सबसे स्लोएस्ट ट्रेन है सभी पाँचों ट्रेनों में से और इसके तकरीबन 19 स्टेशन से 1250 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर करती है। एवरेज स्पीड इस रूट पर 67 किलोमीटर पर आवर है। सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है। ईस्टर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। कोचेस के बारे में बात करें, फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। इसके अलावा एंट्री करके कोच भी शामिल है। कोच कॉम्पोजिशन के बारे में बात करें तो 2 जनरल डिब्बे हैं और 8 कोच इसमें स्लीपर क्लास के हैं। एक फर्स्ट AC का कोच है, एक फर्स्ट AC सेकंड AC कंबाइन कोच है, 2 कोच सेकंड AC के हैं और 6 कोच इसमें थर्ड AC के शामिल हैं। तो दोस्तों इसी के साथ नई दिल्ली से मधुपुर तक चलने वाली सभी ट्रेन्स की जानकारी की वीडियो जो है समाप्त होती है। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं, या अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की अन्य वीडियोस बनाता रहूं तो भी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आपका